वो लोग जिन्हें अंडा सूट नहीं करता या वो लोग जो अंडा छोड़ना चाहते हैं, उनको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। ये प्लांट बेस्ड रेसिपी ना सिर्फ हेल्दी है पर ये बनानी भी बहुत आसान है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप इंस्टेंट ओट्स, 2 कप पानी, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। ओट्स को हम पानी के साथ मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक मिक्सचर स्मूथ नहीं हो जाता। अब इस मिक्सचर को हम एक साफ कपड़े से छान लेंगे और दूध अलग कर लेंगे। ओट्स का दूध थोड़ा स्टिकी होता है तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब इस दूध को हम मीडियम हीट पर पकाएंगे। इसमें नींबू का रस डालने के बाद इस मिक्सचर को कंटिन्यूसली हिलाते रहिए। 5 से 10 मिनट पकाने के बाद ये दूध गाढ़ा हो जाएगा। अब इस तैयार मिक्सचर को आप किसी भी खांचे में डाल लीजिए। इस खांचे को लगभग 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दीजिए। जितनी देर आप इसे फ्रिज में छोड़ेंगे, ये ओट्स का बना हुआ पनीर उतना ही फर्म हो जाएगा। तो चलिए इसे इस्तेमाल करते हुए हम भुर्जी बनाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे अंडे की भुर्जी बनती है। सबसे पहले हम इस पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। कढ़ाई को हमने मीडियम सेक पर गर्म कर लिया है। अब उसमें हमने 1 बड़ी करछी तेल का डाला है, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा जिसे हम भून लेंगे, उसके बाद 2 छोटे कटे हुए प्याज डालेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून जाए तो उसके बाद हम इसमें ओट्स का बना हुआ पनीर डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। 2 से 4 मिनट पकाने के बाद इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा धनिया डालेंगे और ये हो गई आपकी ओट्स से बनी हुई अंडा भुर्जी तैयार। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो ऐसी बहुत सारी वीगन रेसिपीज हम अपने चैनल पे शेयर करते रहेंगे। हमारा चैनल है youtube.com/peoplefarmproducts।